चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर का 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन बना चुके थे और 20 से आगे कैसे आज बढ़ेंगे। आपको मालूम हो कि 60 क्वेश्चन टोटल है और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले 2 ठो वीडियो पार्ट 1 और 2 थ्योरी का है, उसे जरूर देख ले ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। हम लोग देखते हैं इस नंबर में कहा है a+b, माने a और b दोनों अगर साथ रहेगा तो कोई काम को 30 दिन में कर देगा, जबकि b और c 24 दिन में, c और a 20 दिन में। तो जब भी ऐसा कुछ रहे क्वेश्चन तो हम सीधा सीधे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तात्पर्य है बाबू, इसका उद्देश्य होता है कि वैसा डाटा लेना है टोटल वर्क के रूप में जो तीनों से कट जाए। तो देखिए 720, यानी कहने का मतलब है कि 720 को इंटर होना है। पिछले वीडियो में भी ये काम कर रहे थे, आप लोग को कुछ तो समझ में आ ही। अब जैसे हम यहाँ पर 720 लिख दिए, लेकिन रियल में तो एलसीएम इसका 120 होता है। अगर कुछ लड़का अगर 720 लेके भी बना सकते हैं तो बन जाएगा, क्योंकि उद्देश्य होता है कि तीनों से कटने वाला डाटा। अब देखिए, यानी कि ए और बी मिलके जब 30 दिन में, तो यहां पर हम निकालते हैं कि एक दिन में क्या इंटर होगा, 30 दिन में क्या इंटर होगा, तो 120। तो एक दिन में क्या इंटर बाबू, तो 4 इंटर। इससे पूछिए कि एक दिन में क्या इंटर, तो 24 × 5 = 20 से, यानी 5 इंटर। इससे पूछिए कि एक दिन में क्या इंटर सी और ए मिलकर, तो ये बोलेगा 6 इंटर, 6 × 20 से। अब एक चीज समझिए कि एक दिन अगर हम इस साल के बुला रहे हैं तो इस साल को बुलाने का मतलब है कि 2 गो ए आ जाएगा, 2 गो बी आ जाएगा, 2 गो सी आ जाएगा, यानी 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी आएगा। तो एक दिन में हमारा टोटल कितना इंटर ढोवा रहा है, जोड़िएगा बाबू, 6 × 4 = 10 = 5 = 15, कितना इंटर ढोवा रहा है, 15 इंटर। लेकिन 2 गो रहेगा तब ना, अगर 1 गो रहे तब क्या इंटर ढोवाएगा, 7.5 इंटर। अब सोचिए क्वेश्चन में कहा है क्या कि 10 दिनों तक तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो ए बी सी तीनों मिलकर अगर एक दिन में 7.5 इंटर होता है तो 10 दिन में तीनों मिलकर क्या इंटर ढोवेगा, ये बताओ। तो 10 दिन में तीनों मिलकर ढोवेगा 75 इंटर। उसके बाद कहता है कि बी और सी आना बंद कर दिया, तो बी और सी आना बंद कर दिया तो आवेगा कौन, ए। अब ये सब पूछ रहा है कि बाकी इंटर तोरे ढोले जाओ बाबू, सब भाग गेलो, तो पूछ ले कि इंटवा कितना बचा। तो यहां से हम क्रॉस करके दिखाएंगे उसको, यहां से दिखाए तो शेष इंटा कितना बच गया, तो 45। अब 45 इंटा को कौन ढोवेगा, तो ए ढोवेगा, कहा कि बी और सी भाग गया 10 दिन के बाद, बी और सी भाग गया। अब ए के बारे में हमको जानकारी लेना होगा कि एक वो इंटर ढोता है, तब बी और सी जब भागा उसको केयर करो कि बी और सी एक दिन में क्या इंटर ढोता था, 5 गो, और तीनों मिलके क्या गो, 7.5 गो, बी और सी मिलके 5 गो, ए बी सी तीनों मिलके 7.5 गो, मतलब एक ही इंटर ढोता था, 2.5 गो, 2.5 से भागा दे देंगे। अब इसको कटिंग कर देंगे, 10 अंकों के बदले 0, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, यानी 9 × 2 = 18 दिन। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ए, अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में, तो शेष कार्य था 45 घंटा, तो 45 घंटा को कितने दिन में ढोया, तो 18 दिन। देखिए बाबू, 22 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 5 दिन में, बी और सी 7 दिन में, सी और ए 4 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा अकेला इस काम को सबसे कम समय में करेगा, सबसे कम समय में कौन करेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसको बनाने का जरूरत नहीं, एक लॉजिक हम आपको दे रहे हैं। अगर कहीं भी कोई अगर काम करने में तेज आदमी है तो जौन काम में लगेगा बाबू, उसको जल्दी फिनिश करेगा। अगर उसके साथ काम करने वाला थोड़ा कमजोर रहेगा तो वो जल्दी घीच देगा काम को। ये देखो तीनों डाटा में देखो सबसे कम समय कौन लिया है, तो सी और ए लिया है। कितना दिन लिया है, 4 दिन। एक मतलब यही दोनों में से कोई होगा जो सबसे तेज करे वाला होगा। अब देखते हैं शक हुआ सी पर कि सी ए तेज होगा, तो सी ए की जगह और उसको क्लू मिला, कहा बी और सी दोनों देखे 7 दिन में,
तो एक मतलब नहीं सी फास्टर नहीं है, इसका मतलब हम आप चेक ही करेंगे कि वो कौन आदमी है जो जहां जाता है वहां कम समय ले रहा है। तो यहां देखिए यहां भी 4 दिन कम लग रहा है, उससे फिर ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है यहां। तो ये दोनों जगह में जो कॉमन आदमी होगा उसी के चलते ना जल्दी हुआ होगा काम। तो ये दोनों में कॉमन कौन है? ए, यानी कि ए सबसे कम समय में काम को करेगा। अब ऐसे बनाने के लिए तो फिर एलसीएम लीजिएगा, ये दोनों मिलकर के एंटा, ये दोनों मिलकर के एंटा, फिर एबीसी, और एक एक करके फिर सबके निकालना पड़ेगा। क्यों इतना टेंशन लेंगे? देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 23 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। कहता है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, माने ए और बी अगर रहेगा बाबू, अगर एक दिन रह गया तो 12 दिन में काम के कबाड़ के रख देगा। और ना तो एक और ऑप्शन है, अगर बी या सी आ जाता है तो 16 दिन लगेगा। लेकिन काम कैसे हो रहा है ये देखिए, पहले ए आया 5 दिन काम करके चल गया, फिर उसके बाद कौन आता है तो बी आता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, तथा शेष कार्य हुआ, बाकी जो काम बचा रहा है दोनों के कैला के बाद, जो सी ओकरा 13 दिन में करके निकल गया। तो हम तो उसी ढंग से बनाएंगे, पहले ही दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम माने टोटल काम, टोटल काम माने ईटा, तो 16 + 48 48 को ईटा ढोबे है बाबू। हम कहे ए से जा इससे भेंट किए तो कहा था कि 12 दिन में, तो हम समझ गए थे कि दोनों मिलके 1 दिन में क्या इंटर होगा। तो कहा कि 48 = 4 घंटा। बी और सी से पूछे कि तो हमी दोनों कहने हैं ना कि 16 दिन में हम टोटल इंटर हो देवो, तो एक मतलब 1 दिन में के गो इंटर होया, जो सोचिए थोड़ा तक 3 इंटर। अब एक के दिन काम किया है 5 दिन, तो एक के तो बारे में प्योर में ना मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि बी भी 7 दिन किया है। तो यहां पर क्या करेंगे कि ए और बी को 5 दिन पहले काम करवा लेंगे। तब 5 दिन जब ए और बी करेगा तब बी हल्ला कर लेगा कि हम 7 दिन कहला है, तू हमारा 5 दिन के हिसाब दे था। हम कहेंगे थोड़ा स्थिर रहो बाबू, जो तो हिसाब पूरा हो तो 7 दिन हो जाए के चाहिए हिसाब में इतने ना। तब 5 दिन में अगर ये दोनों रहा होगा तो 5 दिन में ए और बी मिलके कितना इंटर होया होगा, सोचो 5 दिन में, तो 5 × 20 इंटर। अच्छा अब बी अलबला ने कहा कि हमारे 2 दिन वाला हिस्सा बा। हम कहें 2 दिन तो और बच रहा है, जे सी 13 दिन किया था तो 2 दिन एकरा साथ तो हिसाब कर दे रही हो, तो 7 दिन हो जितो ना। तो कहें कि ठीक है 2 दिन तुम किसके साथ काउंट करवा लो, दिन यहां लिख दीजिए, 2 दिन किसके साथ है अकाउंट करवा लो, तो बी का सी के साथ है। तो 2 दिन में 1 दिन में अखिल दोनों 3 इंटा, तो 6 इंटा। अब जैसे ही सी के बारे में कहें 2 दिन, तो सी हल्ला करे लगा कि हम 13 दिन काम कर लिया तो 2 दिन हमें लिख ले है। हम कह ना बाबू कम्मा लास्ट में तू ही ना 13 दिन कह लिया, तो 2 दिन उन्होंने चल गए, तो बाकी तो के दिन रह लो 11 दिन। एक मतलब है कि 26 इंटा टोटल ढोबे ला था, 26 इंटा, तो शेष इंटा बचल के गो था, तब 22 गो। अब शेष जो 22 गो इंटा बचा हुआ था इसको गौर से देखो, तो 22 इंटा जो शेष बचा हुआ था तुम के दिन लिया होगा, तो 13 दिन के हिसाब में से तो 2 दिन तो उन्होंने हिसाब कर दे लू है, यानी 11 दिन में, 11 दिन में तुम 22 इंटर होया होगा। तो वही हिसाब से सोच लो कि तोरा अगर हम कहें कि 48 इंटर तोरे होना है, तो जे इंटर आधा दिन तुम ले रहा है, अरे कौन कर रहा है तो सी कर रहा है, यानी टोटल इंटर अगर तोरे दे ढोबेला कि जब 22 इंटर 11 दिन में ढोबे हैं तो 48 इंटर होता के दिन में, तो ना कहेगा कि 24 दिन लगे तो कम से कम, यानी 24 दिन में हम ढो दे। कहा कि लास्ट में तुम 22 इंटा बचा था, 11 दिन में ढोया था, तो 7 इंटवा मैंने 48 इंटा, तो 48 इंटा तुम के दिन में ढो देगा, 24 दिन में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उस कार्य को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करेला शुरू किया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले
कार्य समाप्त होने के क्या दिन पहले? 3 दिन पहले ए जो है कार छोड़ के चल गया, तो इसीलिए लिख दिया है कि ए -3 डे क्रॉस कर दिया है कि मैंने वो चल गया है 3 दिन पहले। मानी दोनों काम करेला आया लेकिन ये भगोड़ा काम पूरा नहीं होवे दिया, 3 दिन पहले ही भाग गया। आई तो बेचारा कहा कि देखा भैया हम काम कर ही हो जरा ही एकदम मन से कर ही हो, भले हम टाइम ज्यादा ले ही लेकिन सड़ल रहे ही लेकिन अड़ल रहे ही, यानी तो काम समाप्त करके हम दूसरे में जेब हो। तब कहे कि एक अर्थ निकलता है लॉजिक कि ये 3 दिन पहले भाग गया अगर मतलब 3 दिन बाद तक ही किया, अब 3 दिन बाद तक किया एक मतलब 3 दिन के पहले दोनों साथे साथे काम कर रहा था, तो अगर हम ये निकाल ले कि 3 दिन में किया इंटर होया तब बाकी बचल का इंटर तो ये दोनों मिल ही के ढोया होगा, तो वहां से निकल जाएगा के दिन दोनों मिल के साथे किया आ 3 दिन अकेले किया तो क्या मतलब टोटल के दिन हुआ जो निकाल लेंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे बाबू। एलसीएम 18 × 36 यानी 36 गो इंटर हो गया था। अब एक के बारे में बताओ एक दिन में क्या इंटैक्ट होगा तो 3 गो इंटा, बी एक दिन में क्या इंटैक्ट होगा तो 2 गो इंटा। अब बताओ लास्ट में तो बेचारा अकेले पड़ गया हो 3 दिन, तो 3 दिन में 6 इंटा तो यही ढोल के है, तो बाकी के इंटा हो बचल 30 गो। अब 30 गो दुनू जब जा होते तो एक दिन में क्या इंटा ढोआ हल्के 5 गो, तो 5 × 6 = 30 यानी 6 दिन इनने आ 3 दिन अकेले ता टोटल आंसर के दिन हो गया 9 दिन। 6 दिन तो यहां निकलवे किया था, 6 दिन साथ ही किया था, आई 6 घंटा बेचार अकेले न ढोया है यानी 3 दिन एने लगा 6 दिन एने, तो टोटल काम के दिन चला 9 दिन। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, एक मतलब काम शुरू कौन किया? बी। ये आदत है जब फरहा रहेगा ना तो काम शुरू कर देगा लेकिन भागेला वो तैयार रहता है, इसलिए कहते हैं कि जब ज्यादा टाइम लेना है ओकरे ही पढ़ना, जैसे हम ज्यादा टाइम लेते हैं एक क्वेश्चन में हमारा ज्यादा टाइम लगता है तो हमें जल्दी जल्दी के चक्कर में रहता है, हमने फिनिशिंग करते हैं न तो आधे रास्ता में छोड़ के भाग जाएगा। तो ये कह रहा है कि 10 दिन तक काम कौन किया तो बी ने किया, तब बाकी शेष कौन करेगा, तो 2 आदमी ये था तो ये किया होगा, तो कुछ ना करना बाबू एकदम आराम से एलसीएम लेना 15 × 6 = 90 यानी 90 घंटा होगा एक दिन में, 6 घंटा ढोबेगा ये एक दिन में 5 घंटा ढोबेगा। अब तो हम ये बताओ कि 10 दिन में के घंटा ढोया होगा, तब क्या अपने बोलोगे कि सर 60 घंटा, कौन ढोया तब बी ढोया, के दिन में ढोया तब 10 दिन में ढोया, शेष ईंटा बचा के गो 30 गो ईंटा बचा, कौन ढोवेगा तो ये ढोवेगा, तो ये एक दिन में के ईंटा ढोता है 5 गो, तो इतना के दिन लगेगा तो 6 दिन लगेगा आंसर। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 22 नंबर। फिर अभी देखिए ए 4 दिन में कार्य करेला शुरू कहा, बी कहा कि 6 दिन में, सी कहा कि 12 दिन में, हम जल्दी से क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 12 गो इंटर ढोबेला है, एक मतलब एक दिन में क्या इंटर ढोबेगा 3 गो, एक दिन में 2 गो इंटर ढोबेगा, एक दिन में 1 इंटर ढोबेगा। फिर देखिए वही स्थिति आ गया, ये सोचा कि जल्दी कर देगा लेकिन एक बारे में मालूम ही ना था कि इतना धोखेबाज है, एक दिन काम किया छोड़ के चल गया, तो एक दिन जब किया तो क्या इंटर ढोया होगा 3 गो ना, तो 12 में से 3 गया बाकी क्या इंटर बचे हुए 9 गो, अभी 9 गो कौन ढोबेगा बी और सी दोनों मिल के, बी और सी एक दिन में क्या इंटर होता है 3 गो, एक दिन लगेगा तो 3 दिन लगेगा। चलिए बाबू 28 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है लेकिन 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अरे भाई 6 दिन बाद गया तो 6 दिन काम किया कि नहीं किया जे हमको बताइए, तो आप कहिएगा किया सर, एक मतलब 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम था और 6 दिन काम करके जा रहा है का मतलब 12 मैन के लिए हमारा कितने डे का काम रहा, तब रहा 6 दिन का, जब 12 आदमी के लिए
लेकिन 6 दिन बाद में आदमी जा रहा है, यानी मेरा काम बचा हुआ है 12 आदमी के लिए कितने दिन का, 6 दिन का। अब बोलिए 12 आदमी में से अगर 6 को चल गया तो हमारे पास आदमी कितना बचा, तो 6 को बचा, तो टोटल वर्क बराबर माइन इंटू डे, माइन से भागा दीजिएगा तो डे निकलेगा, और डे से भागा दीजिएगा तो मन निकलेगा। ये आपको बताया था थ्योरी में, टोटल वर्क बराबर माइन इंटू डे, टोटल वर्क बराबर माइन इंटू डे, तो वर्क कितना बचा हुआ है, तो 12 आदमी के लिए 6 दिन का काम करवाना है किससे, तो आदमी तो 12 को था लेकिन 6 को चल गया, तो 6 को बचा, 6 दूनी 12, यानी शेष काट करने में 12 दिन लगा। तो ये पूछ रहा है टोटल कितना दिन लगा था, 12 दिन तो ये बाद में लगा भागला के बाद, और 6 दिन शुरू में, यानी टोटल के दिन लगा 18 दिन। कार्य समाप्त होने हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 छूट गया था। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 10 दिन में, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, दोनों किया 2 दिन, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, देखो मतलब कहिए ना कि बी 2 दिन के बाद भाग गया, शेष कार्य को कौन किया, ए किया। इसका अर्थ होता है कि ए शुरू से अंत तक किया, इसका अर्थ है कि ए जो है शुरू से अंत तक किया, तो शुरू से अंत तक किया, तो सबसे पहले ये तो मालूम हो जाए कि टोटल काम कितना था, तो काम निकाले लो तुम लोग को सिखा चुके हो बाबू एलसीएम लो, तो 30 गो, तो 30 गो एंटर हो गए लाले बाबू, तो 1 दिन में 2 एंटर होगा होते, आई 1 दिन में 3 एंटर, तो 3 गो एंटर 1 दिन में ढोबा ले, 2 दिन ढोबे करके कम से कम 6 एंटर ही ढोया, तो जब 6 एंटर 2 दिन में ढोया तो 6 एंटर में से घटा देंगे, तो एंटर के गो बचा 24 गो, अभी 24 गो एंटर कौन ढोया होगा शुरू से अंत तक, ए, तो ए 1 दिन में क्या एंटर ढोता है 2 गो, तो इसका मतलब है कि इसको क्या दिन लगा 12 दिन, देखा मतलब शुरू से अंत तक नहीं था, एक मतलब 10 दिन बाद में 12 दिन 2 दिन पहले। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसको अल्टरनेट वाला क्वेश्चन कहते हैं, 1 दिन छोड़कर 1 दिन आने वाला। तो देखिए कुछ नहीं करना, एक मतलब है कि मान लीजिए हम मालिक हैं, तो हम ए को कहें कि वो काम करना है, देखो ना इन्हें एंटर धरल है, तो कहा कि के वो हवा धरल जो पहले बताओ, तो ऐसा मानिएगा कि दोनों से कटे, तो हम मान लीजिए कि 30 गो एंटर धरल है, तो इसको बोले कि इव कहा कि हम 10 दिन में तो टोटल धो दो, एक मतलब तो हम ये बताओ 1 दिन में क्या एंटर धोगा, तो 3 गो एंटर। अभी वीक से पूछे कि तू के दिन में ढो देवे, तो 2 दिन में, हम कहें कि तो चलती हम तू ही, तो देखा हम एक जगह आओ काम पकड़ लेगी, 1 दिन जाएगो 1 दिन वहां जाएगो, ना तो वहां हम पैसा ले लही, हम बात सुन जेबो, तो फिर बी फिर गेली, तो कहला कि देखा ना जब वो 1 दिन आवे ला कहो तो जो दिन आए तो उस दिन हम चल जेबो, तो तोरा एंटवा धीरे धीरे ढोवाइत रहतो, तो कहने का मतलब है कि 1 दिन ये आवेगा 1 दिन ये आवेगा, शुरू जब ही करेगा तो हर 2 दिन में हमार के एंटर ढोआएगा, जे खाली तो नहीं बता दो 2 दिन में हमार के को एंटर ढोआ रहा है 5 गो, तो ऐसे 5-5 एंटर जब ढोआएगा तो के को शिफ्ट चलेगा, तो 5×6=30, माने ऐसा ऐसा 6 गो शिफ्ट चलावे हैं, तो 6 से गुना करिए, यानी 12 दिन में हमारा टोटल 30 गो एंटर ढोआ जाएगा। कि ध्यान देना है कि 2 दिन में 5 इंटर हुआ रहा है, 1 दिन ए आया है 1 दिन बी आया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे तथा कार्य का प्रारंभ भी राम करे तो बताइए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यानी राम से पूछे गए कहा कि हम तो 8 दिन में कर दियो लेकिन हमारा टाइम ना हो, लेकिन 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सका दियो। श्याम मिल गए तो ये भी वही भाषा बोला कि 1 दिन कर सका दियो अल्टरनेट में हम, तो ही कहा कि तब दोनों 1 दिन आ जाओ, तो कहा न जो दिन राम जाए तो उस दिन श्याम न जाए तो, जो दिन श्याम जीतो उस दिन राम न जाए तो,
कुछो मत कर, सीधे सीधे इंटर पहले बतावा कि के गो इंटर ढोबे ला है। देखिए 24 गो इंटर ढोना है बाबू, 24 इंटर ढोना है तो एक दिन में के इंटर ढोबेगा बाबू? तीन गो। एक दिन में के इंटर ढोबेगा बाबू? दू गो। एक दिन अगर दुनू कोई आवेगा तो दो दिन में हमार के गो इंटर ढोबा जाएगा? दो दिन में तो पांच इंटर ढोबा जाएगा। अब दो दिन में पांच इंटर ढोबा जाएगा, देखो अभी लेकिन फंसेगा, अभी इसमें गुना कर रहे हैं तो पूरे पूरे नहीं कट रहा है। तो हम सोचे कि एक पांच से गुना कर दे, आंसर दे देवी दस दिन, लेकिन नहीं, दूसर का इंटरवल आइएगा तो वह इंटरवल लावे से ज्यादा ना तू लड़ाई खड़ा करके रख देगा, कहेगा तोर मजूरा ऐसा रखा है लेके चल गए हमारा इंटर ले, अब हो गए कहां भी शुरू। तो इसको ऐसा गुना करना है कि ज्यादा ना हो गए। अगर पांच से गुना कर देंगे तो पांच पांच पच्चीस ज्यादा हो जाएगा, तो जस्ट ओकरा से एक नीचे रहिए, यानी चार से गुना करेंगे तो यानी आठ दिन में हमारा के गो इंटर ढोवाया टोटल? तब बीस गो इंटर ढोवाया। अभी वहां साइड पर के गो इंटर रखल है? तो चार गो बचल है, चार गो बचल है तो पारा केकर है? राम के। राम आएगा एक दिन काम करेगा, के गो इंटर ढोवेगा? तीन गो। तो एक रो दिन खेप गया, अब वहां इंटर के गो रहा? ध्यान से देखो एक गो। अब कौन आवेगा? तो आवेगा कौन? तो श्याम के पारी है। श्याम तो पहले ही से कहले है कि हम तो आए हो दो इंटर ढो देवो, तो हम कल यहां होता आ जाए इंटवा एक गो हो। तो जब दो इंटा दिन भर में ढो वही हो तो एक इंटा आधा दिन में ढोबो, एक मतलब कितना दिन लेगा? आधा दिन। तो आधा दिन में के इंटा ढोबेगा? तो एक इंटा। अब ध्यान दो इंटवा टोटल ढोवाई लो कि ना के दिन? चौबीस इंटा ढोवा गलो बाबू, यही तो रह लो। यहां देखो आठ एक नौ, एक मतलब नौ पूर्णांक एक बटे दो दिन, यानी टोटल के दिन लग गए तो साढ़े नौ दिन। लेकिन इसमें पूर्णांक वाला में फंस जाता है, लेकिन आप समझ गया होगा। अब देखिए बाबू कुछ लेकिन के यहां तक तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहता है कि राम कहे आया सर। अब राम कहे आया तो सोचो कि पहला दिन राम आता होगा, तो दूसरा दिन श्याम, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी हर ऑफ डे में, यानी पहला दिन राम आया तो फिर तीसरा दिन आएगा, फिर पांचवा दिन आएगा, फिर सातवा दिन आएगा, तो नौवा दिन कौन आएगा? रामे के ना पा रहा है, तो आठ दिन बीत गया तो नौवा दिन कौन आवे वाला है? राम। राम के इंटर होता है तीन गो, तो जब राम तीन इंटर हो गया तो तेईस गो हो गया। अब श्याम के बारी है, तो श्याम आवेगा तो एक दिन पूरा लेगा तो दूसर का इंटर ना ले आवेगा? तो कहेंगे नहीं एक के इंटर है, जब तुम दिन भर में दो इंटर होता है तो तुरा हम मजूरी ऐसी कहे देंगे एक इंटर के मजूरी लो, तो एक इंटर कितना दिन में ढो देगा? तो आधा दिन में। अब इस तरह से तुम समझ गए।